हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य आर्य और आज हम लोग कैट 2008 का नंबर सिस्टम से क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूज करने वाला इसका लैंग्वेज है। द इंटीजर्स देखते हैं, द इंटीजर्स 1, 2, 3, 4 टिल 40 आर रिटन ऑन अ बोर्ड। हमारा टेक्निक हमेशा ये रहता है कि जो आपके सामने क्वेश्चन है सबसे पहले उसको कन्वर्ट करो मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर। तो मैंने क्या किया, एक लेमैन की तरह, लेमेन का मतलब एक आम आदमी, सो कुछ नहीं आता है ये समझ के हम एग्जाम की तैयारी करेंगे। ये सारे नंबर मैंने बोर्ड पर लिख दिए। अब इसके बाद द फॉलोइंग ऑपरेशन इज देन रिपीटेड 39 टाइम्स। फॉलोइंग का मतलब नीचे दिया हुआ ऑपरेशन मैंने 39 टाइम्स रिपीट किया। अब ऑपरेशन देखने के लिए मैंने सवाल के अंदर देखा। एनी टू नंबर, लेट से ए एंड बी, करंटली ऑन द बोर्ड, जो भी बोर्ड पर होंगे उनको इरेज करके मैं एक नया नंबर लिखूंगा, ए प्लस बी माइनस वन। मतलब जैसे कि मैंने लिया वन, लेट्स से यहां पर मैंने और लिख दिया 39 एंड 40। ठीक है, 39 एंड 40 को इरेज करके मैंने लिखा 39 प्लस 40 माइनस 1, और मैं इतना लेमैन हूं कि मैंने समेशन का आंसर भी नहीं लिखा। बात समझ में आई? अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, इन्होंने कहा कि बोर्ड पर जो नंबर लिखा ये तो मैंने इरेज कर दिया था। अब मैंने क्या करना है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ये ए है ये बी है, इन दोनों को सम करके माइनस करूंगा। तो जब इन दोनों को इरेज करूंगा तो क्या लिखूंगा, 38 प्लस 39 प्लस 40 माइनस 1। हाँ, और माइनस वन एक और बार, क्योंकि ए प्लस बी माइनस वन, और इन दोनों को अब मैं इरेज कर दूंगा। किसको, इसको और इसको। बात समझ में क्या चल रहा है? तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्वेश्चन के अंदर देखा, मैंने इस ऑपरेशन को 2 बार रिपीट किया और 2 बार माइनस वन आ गया। बाकी इसके अलावा क्या चल रहा है कि ऑपरेशन 2 बार रिपीट करूंगा तो स्टार्टिंग में दिए हुए 3 नंबर का सम होगा, 2 बार ऑपरेशन रिपीट करूंगा तो गिवन 3 नंबर का सम होगा, और 2 बार ऑपरेशन रिपीट किया तो 2 बार माइनस वन होगा। इस बात को समझ में आ गई? बस सवाल खत्म। इसका मतलब अगर ऑपरेशन 39 टाइम्स रिपीट होगा तो गिवन नंबर्स में से 40 नंबर्स का मैं समेशन करूंगा। इसका मतलब कि पूरे 40 की 40 नंबर का मुझे समेशन करना पड़ेगा सवाल लगाने के लिए। माइनस, हमने क्या बोला था, जितनी बार ऑपरेशन रिपीट करोगे उतनी बार माइनस वन करना, यानी कि -39। ये है आपका टेक्निक। अब इसका समेशन और इसका फाइनल आंसर आप कमेंट के अंदर लिखिए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।